Assalamu alaikum and welcome to Solving Solution 16. Aaj viewers request par dobara se aluminium foil par kaam karungi main. To iske liye main jo hai ek dabbe ko recycle karungi jo maine pehle order pe banwaya tha. Ye ek treasure box hai. To iske liye hame jo cheezon ki zarurat hai wo sabse pehle aluminium metal foil, uske alawa food wrapping foil. फिर आपने ले लिए ये stones, pearls beads, blunt pencil, उसके अलावा cementex glue. ये tutorial करने का basic मकसद ये है कि जो viewers, art lovers हैं, वो सिर्फ bounded ना हो इसमें, बल्कि क्योंकि मेरे पास request आ रही थी, जिनको art इतना आता है नहीं, तो वो भी करना चाह रहे हैं इस पे काम. तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे designs बताऊंगी जो आपके area को तो बहुत easily fill करेंगे. उसके अलावा वो बहुत easy होंगे क्योंकि random designs होंगे वो. तो शुरू करते हैं फिर. अब आपके पास इस तरह का बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे कि कोई भी आपने शू बॉक्स लिया और इसके बाद आपने लेनी है कार्ड शीट, पोस्टर शीट नहीं कार्ड शीट. इस पे आपने इसकी चौड़ाई ली, हाफ इंच दोनों तरफ स्पेस छोड़ के 2.5 इंचेस की मार्किंग कर लेनी है. हाफ इंच नीचे और मार्क कर लें टॉप साइड से और अब आप इसको हल्का सा कर्व कर देंगे इस तरह से. यही हाफ इंच से आपने नीचे की तरफ भी कर लिया. इस तरह के आपने दो पीसेस कट कर लिए. इस पर आपने लगा लिए कट्स और इनको फोल्ड कर दिया. ये ही हो गए फोल्ड. तो आप क्या करेंगे इसको यहां पर इस साइड पर पेस्ट इस तरह. अब आप इस विड्थ के हिसाब से लंबी सी शीट काट लेंगे. अब आपने यहां से इसकी पेस्टिंग शुरू करनी है. अब ये जो जिस तरह फोल्डिंग के कट्स लगाए थे इस पे आप यूएचयू अप्लाई कीजिए. जो भी आपका एडहेसिव आपके पास अवेलेबल है उसको अप्लाई कीजिए और पेस्ट करते जाइए इस तरह से. यूं आपका ये ट्रेजर बॉक्स का शेप जो है वो रेडी हो जाएगा. अच्छा, मैंने तो जैसे सिंगल शीट अप्लाई की है ना दोनों तरफ, तो आप लोग डबल कीजिएगा. मेरे पास तो बॉक्स की अवेलेबिलिटी है लेकिन आप इसको डबल अप्लाई करेगा ताकि ये मजबूत बन सके. तो इसके लिए आपने सबसे पहले साइज ले लिया मेटल फॉइल शीट से, लेकिन वो साइज इस तरह रहेंगे कि ऊपर से तो आप बिल्कुल इक्वल रखेंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे, लेकिन नीचे से आप हाफ इंच करके हाफ इंच की जगह छोड़ के काटें ताकि ये इस तरह से फोल्ड हो सके. अच्छा, इसको अब आप फोल्ड करके मार्किंग कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारी टर्निंग है, तो वर्क एरिया उसका सेंटर पॉइंट हमारा निकल आएगा. तो इसके लिए भी आप जो है फ्रंट साइड से नहीं, इसको उसके बैक साइड से टर्न करना शुरू कीजिए ताकि आपके जो है वो मैसी ना हो, बुरा ना लगे, बल्कि बिल्कुल सफाई वाला नीट लुक आ सके. तो इसमें सबसे पहले तो मैं बना दूंगी कैरियां. कैरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें बस एक छोटी सी टेक्निक है तो वो मैं आपको बनाना बताती हूँ. आपने क्या करना है कि दो उल्टे पत्ते बना देने हैं, जैसे कि ये आपने यूं बनाया एक पत्ता और इसकी बिल्कुल एज साइड से अपोजिट फेसिंग पे आपने दूसरा पत्ता बना दिया. ये आपका पत्ता बना और इसके ऊपर आपने दे दिया क्वेश्चन मार्क यानी सवाल का निशान. अब इसे आप डबल कर दीजिए. अच्छा, इस डिज़ाइन में हम इतनी डेप्थ नहीं देंगे,
ताकि वो लोगों को जो लंबा लग रहा है या मुश्किल लग रहा है वो नहीं हो, बल्कि हमने से हल्का हल्का स्लाइटली जो है आने के हल्का सा स्लाइट इम्बोज, इम्बोज इसमें भी होगा लेकिन स्लाइट इम्बोज होगा। और उसकी जगह पे आप जो है इसमें फिलिंग ज़्यादा करेंगे, यानी डिज़ाइन को इतना क्लोज बनाएंगे आपको ज़्यादा इम्बोजिंग की ज़रूरत नहीं हो और वो जो है डिज़ाइन खुद ब खुद ही प्रोमिनेंट हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं मैंने क्लोज क्लोज बना रही हूँ। उसके लिए भी मैं आपको आइडियाज़ दे देती हूँ कि आपने जैसे डिज़ाइन फिल करने के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं। आपने स्ट्रेट लाइंस बनाई इस तरह, ये भी डिज़ाइन को स्पेस को भरने के लिए, जगह भरने के लिए बहुत इजी डिज़ाइन है। अच्छा, दोबारा से बेस को सॉफ्ट करना ना भूलिएगा और अपनी पेंसिल की निब को शार्प नहीं कीजिएगा, इसको ब्लंट रहने दीजिएगा और फिर ड्रॉ कीजिएगा। मज़ीद कॉर्नर्स का ख्याल रखिएगा, इनसे हाथ कट सकता है। ये देखिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी है और इसको बनाने में मुझको 15 मिनट्स लगे हैं, जो कि मैं आपको बताते हुए बना रही हूँ। ये आपकी हो गई पूरी शीट रेडी। अब इसको पेस्टिंग शुरू कर देंगे इसकी। अगेन बैक साइड से या साइड से आप जो है इधर से स्टार्ट करें पेस्टिंग, ताकि वो मैसी लुक ना आए उसमें। इस पर अप्लाई कर दी सिमेंटेक्स, इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह और इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि तमाम जितने भी एजेस होंगे ना, आप उसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ा के काटा और स्लाइटली इसे अंदर फोल्ड कर दिया, तो उससे ये होगा इसके हार्श एजेस नहीं होंगे। आप इसको जो है जब पेस्ट करेंगे तो ये चुभेगा नहीं। दोबारा से मैंने इस साइड को फोल्ड किया और उसे इस साइड से पेस्ट कर दिया, ताकि अब आप जब यहाँ पे इसको यूं रखेंगे ये खुलेगा तो आपका हाथ यहाँ से कटेगा नहीं। ये पूरा पेस्ट हो गया और आप देख सकते हैं ये इस तरह से रेडी है। लेकिन मैं जो है इसको प्योरली ट्रेजर बॉक्स का लुक देना चाह रही हूँ, तो उसके लिए फर्दर प्रोसीजर जो होगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपने फूड रैपिंग फॉइल शीट ली और इतना अप्रॉक्सीमेट आप अंदाजे से जो है इसको काट लिया। अब अगेन इसको सारा आप मोड़ देंगे इस तरह से, तो आप इस तरह से मोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा शाइनी इफेक्ट भी ले ले, उसके अलावा ये थिक भी हो जाए। अब आपने ली ये पर्ल्स की इस तरह से बीड्स की सारी लड़ियाँ और आप जो है इसको पहले यूं पेस्ट करेंगे हैंग करने के लिए। अब आपने ये जो फॉइल फोल्ड करके रखा था इस तरह से, इसको इस पे पेस्ट करेंगे पतली साइड को ऊपर की तरफ, ताकि बॉक्स आसानी से बंद होए, और जो मोटा सा बनाया है इसको यूं इस तरह से। और अब इस पे पेस्ट करते जाऊंगी स्टोन्स को। ये स्टोन्स तो पेस्ट हो गए इसमें, अब जो है मैं इन्हीं लड़ियों को काट काट के इसमें एडजस्ट करती जाऊंगी।
एक मेरी व्यूअर है रूपाली एसती, उम्मीद है नाम ठीक लिया होगा मैंने, वो बड़ी कंफ्यूज है डेकोरेशन के मामले में। देखें रूपाली, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है बाउंड्रीज में उसको कैद नहीं कर सकते। इस तरह आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को जो भी आप बना रही हैं ना तो इंजॉय कर पाएंगी और मोर ओवर आप जो है उसमें कोई नई तख्लीक भी नहीं कर सकेंगी, कोई न्यू क्रिएशन भी नहीं कर सकेंगी आप। तो आपका जो जी चाहे आप उससे डेकोरेट करें, उसे पर्ल से, स्टोन से, पेंट से, जो करना चाहे आप करें। ताकि आप, दूसरा आपका सवाल था कैलीग्राफी इंक या कलर्स मैं कौन से यूज़ करती हूँ, तो मैंने सजेस्ट किया था इसमें कैलीग्राफी इंक यूज़ करने का। असल में उसका फ़ायदा ये रहता है कि वो आप जो है ड्राई होने के बाद जितनी कम ज़्यादा हो या तो आप उसे मिटा सकते हैं, लेकिन डेकर से पहले। लेकिन अगर कोई दूसरा पेंट होगा आप उसको मिटा नहीं सकते, वो बस हो गए। उसके अलावा जितने भी ट्रांसपेरेंट पेंट्स हैं, जैसे कि आपके हो गए क्रिस्टल पेंट्स, ग्लास पेंट्स और इसी तरह से हो गए आपके सिल्क पेंट्स, ये आप यूज़ कर सकती हैं फॉइल। अब मैं इसमें पेंट कर रही हूँ ग्लास पेंट येलो। ये आपका हो गया ट्रेजर बॉक्स रेडी। अब आपने क्या करना है ये बताना है कि ये आपको कैसा लगा, और उसके बाद कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल के बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स हों वो आपको फौरन मिल जाएं। अब चाहे तो आप इसमें अपनी ज्वेलरी रखें, या चाहे आप इसमें अपनी कैंडीज, चॉकलेट्स या जो भी सर्व करें।